नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं रुद्रघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार आप सभी को, श्वेता जी, वंदना जी और अरविंद पाठक जी नमस्कार। वैद्य जी आपको हम होस्ट बना देते हैं जी। और मुझे कृपया ये बताइएगा श्लोक नंबर कौन सा? आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, द्वादशो अध्याय प्रमेय चिकित्सा जी। आप ठीक हैं वैद्य जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी जी जी, द्वादशो अध्याय अथातः प्रमेह चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति ह स्माहु रात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे हम प्रमेह चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अगला सूत्र पढ़ देते हैं। हाँ जी, प्रमेह की चिकित्सा, बड़ा अच्छा सूत्र है ये। मेहिनो बलिनो बलिनः कुर्यादादो वमनरेचने स्निग्धस्य सर्वपारिष्ठनि कुम्भक्षाकरञ्जये तैले स्त्रिकण्टकाद्येनं यथा स्वं साधितायन वा स्नेहेन मुस्तदेवेवाना नागर प्रतिवा वापवत सुरसादिकषायेण दद्यादास्थापनं ततः न्यग्रोदादेस्तापित्तार्ते रसैः शुद्धं च तर्पयेत्। बलवान प्रमेह रोगी, यदि बलवान प्रमेह रोगी है तो उसे स्नेहन करके सबसे पहले वमन और विरेचन दें। स्नेहन करने के लिए आप सरसों का, नीम का, बड़ी जो बड़ी दहंती है, बहेड़ा है, करंज है, इनके तेल का या फिर त्रिकंटक आदि जो श्लोक 17 में आएगा आगे, इनके द्वारा सिद्ध तेल से अथवा दोषानुसार आप द्रव्यों का चयन करके सिद्ध तेल से स्नेहन करें। शोधन के उपरांत सुरसादि गण के कषाय में बताया गए मोथा, देवदारु, सोंठ, इनके प्रक्षेप देकर उससे आस्थापन वस्ति दें। पित्त दोष से पीड़ित रोगी में कहते हैं आगे कि व्यक्ति के नग्रोधादि गण के कषाय से आस्थापन वस्ति दें, शुद्ध होने पर मांस रसों से तर्पण करें। जी वे जी जी, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि स्नेहन करना है और प्रमेह रोगी जो रहते हैं उसमें आविल मूत्रता, बहुमूत्रता ऐसा रहता है, क्लेदजन्य संप्राप्ति रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे शोधन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये बलवान प्रमेह रोगी है तो यह ज्यादातर संतर्पण जनित व्याधि ग्रस्त रहता है, इसलिए शुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वमन और विरेचन देना है इसमें। पहले स्नेहन करने के लिए सारे तिक्त रसात्मक द्रव्यों से पहले स्नेहन करने के लिए बोला है, जैसे कि सरसों और नीम, बड़ी दंती, बेहड़ा, करंज तेल, और इनसे करके स्नेहन करके फिर शोधन करना है। शोधन वमन विरेचन करने के बाद आस्थापन मस्ति देना है, तो उसमें भी सुरसादि गण का दवाई, मोथा और देवदारु, शुंठी, इनका प्रक्षेप डाल के आस्थापन मस्ति देना है। और पित्त वाले जो है उनको निग्रोध आदि गण, निग्रोध वगैरह के जो द्रव्य है यह सब पित्त शामक है। और वात कफज वालों के लिए सुरसादि गण ऐसे बताया, शुद्ध होने के बाद में तर्पण करना है, उनको बल प्रदान करना है, ऐसा इन्होंने बताया। इसका टीका पढ़ते हैं, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है।
मिनट, वंदना पाठक मैडम जी आप कृपया पढ़ेंगी? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जीवे जी अब मैं अर्थ बताता हूँ, आप कृपया पढ़िए। अथातो प्रमेय चिकित्सितम व्याख्या श्याम इतिहा स्माहु आत्रेय मादयो महर्षय मेहिनो बलिना कुरिया दादो वमन रेचने स्निग्धस्य सशर्प पारिष्ट निकुंभ अक्षर करंजये तेलेश त्रिकंटक कादेन यह सास्वह साधितेन वा स्नेहेन मुस्तक मुस्तक मुस्त देव वाहनागर प्रति वापत वत सुरसादी कषायेण दद्यास्त स्थापनम ततः निगृदादेस्तु पित्तार्थ रसय शुद्ध च तर्पयेत। जी इसमें सुरसादी जो गण है और निगृदादि गण है वो मैं बाद में पढ़ दूंगी कौन कौन से हैं इसमें ड्रग्स। जी ठीक है, आप तब तक निकालिए, मैं तब तक ये शुरू करता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि मूत्राघात चिकित्सा अनंतर प्रमेय चिकित्सा व्याख्यानम उपक्रम में थे, मतलब मूत्राघात की चिकित्सा के बाद प्रमेय की चिकित्सा बता रहे हैं। अभी इसकी जो टीका है उसमें बोल रहे हैं सर्वांग सुंदर में कि सबंधश्चास्य पूर्ववत बोध्यः, मतलब इनका संबंध रहता है, ये पहले हमें समझ आ रहा है। क्योंकि मूत्राघात में मूत्र जो है वो निकलता नहीं है और प्रमेह चिकित्सा में आविल मूत्र था बहुमूत्र था, कुछ ना कुछ मूत्र से संबंधित व्याधि है, इसलिए मूत्राघात के बाद में क्रमशः प्रमेह चिकित्सा बताया है, यह हमें समझ आ रहा है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं, कोई पढ़िए। बलवतो मेहिन, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे अभी? सबसे इंटेलिजेंट माधुरी मैम आप हैं, हमें तो लगता है कि माधुरी मैम बहुत इंटेलिजेंट है। या श्वेता मैम आप करिए, क्या पढ़ना है? ये वाला टीका पढ़िए, तीसरा के बाद नीचे जो है बलवतो में ही ना, मैं अर्थ बताता हूँ। हाँ सर, एक बलवतो में ही न कुसु अपेरे भ्य उपक्रमे भ्य यतस्तद्यो ये भ्य प्रथम वमन विरेचने उर्यान मेह क्लेद प्रशम नाय। इसका मतलब है कि बलवान रोगी, चरक संहिता में हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो वहां पे चार प्रकार के रोगी बताए, बलवान रोगी, दुर्बल रोगी, फिर उसके बाद में कृश प्रमेही और स्थूल प्रमेही, ऐसे चार कैटेगरी दिया है, चिकित्सा भी चारों का अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बलवान रोगी जो है संतर्पण जनित प्रमेह रोगी है उसको सब पुंसो परेभ्य, मतलब वो ऐसा पुरुष जो है पुंसो परेभ्य उसको उपक्रमेभ्य तद्योग्यभ्य, इसका मतलब यह है कि उसको पहले वमन विरेचन करना है। क्यों करना है? क्योंकि कुरियान मेह क्लेद प्रशमनाय, उसका मेह जो है उसमें क्लेद बहुत ज्यादा है, पानी 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 बहुत ज्यादा है, तो पानी जो है क्लेद वह जब तक नहीं निकालेंगे स्त्रोतरो दूर नहीं होगा, तो इसलिए क्लेद को निकालने के लिए सबसे पहले वमन और विरेचन करना है। आगे पढ़िए। हाँ सर, किंभूतस्य सर्षपादी शर्षपादी जयस्तैल्य स्निग्धस्य त्रिकंठकाध्येन वा स्नेहेन स्निग्धस्य त्रिकंठा त्रिकंठनिशारोद्र इत्यादि स्नेहो वक्षयमान यथाख यथास्व दोष सात्म्यादि वशाद द्रव्य साधितेन वा स्नेहेन स्निग्धस्य। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि किस तरह से वमन विरेचन करना है, किंभूतस्य, तो इसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि सर्षपादी तैले स्निग्धस्य, मतलब सरसों का तेल, करंज का तेल, भेड़ा का तेल, जो तेल का नाम बताए, उनसे स्नेहन करना है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, अभ्यंतर स्नेह और एक्सटर्नली भी, तो सरसों का तेल पीने के लिए बोला है यहाँ पर। और त्रिकंटक अद्यवा स्नेहन, त्रिकंटक मतलब गोक्षुर है ना, तो उसके वा वा मतलब ये ऑप्शन में है बहुत सारे, इससे स्नेहन करना है, स्निग्ध करना है। त्रिकंटक निशा रोद्र, तो त्रिकंटक मतलब गोक्षुर और निशा मतलब हल्दी लोद्र, ये श्लोक नंबर 17 में आगे आएगा।
इन सब स्नेह, इन सब से जो स्नेह है उससे स्नेहन करना है। यथास्व दोष सात्म्य वशाद द्रव्य ही, जैसा जैसा दोष होगा, जैसे वातज होगा, पित्तज होगा, कफज होगा, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, तो जैसे जैसे शरीर की प्रकृति है और दोष के साथ में, उस हिसाब से मेडिसिन को सिद्ध किया हुआ, साधिते नवा स्नेहन स्निग्धस्य, वैसा सिद्ध किया हुआ। अब जैसे कि अगर कोई पित्त प्रकृति है तो हम उसको सरसों का तेल नहीं दे सकते स्नेहन के लिए, उसको वात कफज में हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे जैसे दोषों को साथ में है उस हिसाब से मेडिसिन को सिद्ध करना है और शरीर को स्निग्ध करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्रोतसों से सारे दोषों को निकालना है। तो शाखा से कोष्ठ गति होना बहुत जरूरी है, मतलब शाखा से कोष्ठ तक सारे दोषों को लाना जरूरी है, इसलिए स्नेहन होना जरूरी है। यहाँ पे स्वेदन नहीं बताया लेकिन स्वेदन भी करना है, तो स्नेहन और स्वेदन करके उसके बाद पढ़िए ततो वमन। ततो वमन विरेचन करनाद अनंतर जात बलाय मेहिन सुरस युग इत्यादि संभवनिधना कषायनास्थपान दध्यात। इसका मतलब है कि वमन और विरेचन से पूरा शरीर का शुद्धि हो गया है, दोषों को हमने निकाल दिया, क्लेद को निकाल दिया, स्त्रोत शुद्ध कर दिया। उसके बाद में सुर, अभी यहाँ पे वायु जो है, वायु को हमें जीतना है, तो वायु को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे सुरसादि गण के जो द्रव्य है, जो अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 15वां चैप्टर जो है, जो गणों का चैप्टर है शोधनादि गण, उसमें से 30वां नंबर का जो श्लोक है उसका काढ़ा बनाना है और उसमें अस्थापन, उसके काढ़ा का अस्थापन बस्ति निरूपस्ति देना है। आगे बोल रहे किम भूतम, आप पढ़िए। किम भूतम मुस्तादि प्रतिवापक्त स प्रतिवापो विद्येत यस्य तदेवम। इसका मतलब एक, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पित्तले पुनः पुनः नय न्योग्रोध पिप्पल इत्यादि कषायन आस्थापन तद्धात। जी इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि किम मुतम, अभी हमने इन्होंने बता दिया कि सुरसादि गण के जो द्रव्य है, सुरसा मतलब तुलसी, तुलसी आदि के द्रव्य से काढ़ा बना के आस्थापन बस्ती देना है, लेकिन किम मुतम उसमें और क्या करना है, तो बोल रहे हैं कि मुस्तादि द्रव्य जो है उसका प्रक्षेप डालना है, प्रतिवापवत वो डाल के सब प्रतिवाप विद्यते तदेवम, ऊपर से वो सारी चीजें डालनी है और तब उसका स्थापन बस्ती देना है। पित्तले पुनः निग्रोधादि पिपल, मतलब पित्तज प्रकृति वाले जो है या पित्तज प्रमेह वाले रोगी है उनको निग्रोधादि गण, जो अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 15वां में 41 नंबर का जो श्लोक में निग्रोधादि गण है, इत्यादि कषायण आस्थापन निद्यात, उसके काढ़ा से आस्थापन बस्ती देना है। प्रतिवापानांतर निर्देशित पूर्वोक्त एव प्रतिवापो योज्य, तो प्रतिवाप मतलब प्रक्षेप द्रव्य जो है, जो निर्देश किया गया है वो हमें मुस्तादि गण, मुस्ता वगैरह जो बताए वो सब डाल के फिर करना है। आगे पढ़िए। अनंतर शुद्ध प्रमेहिन रसैस्त रसैस्त पर्येत यद्यपि रसैरिति ए सामान्य निर्देशा त्रिविधे देश सजात प्राणी मास रसई रसई स्तर्पण प्राप्त तथापि योग्य तावाशात जांगल प्राणी मांस रसई स्त पयेदेति बोधयम न त्वानुप दि मांस रसई ए रीति तेषा मेदो मूत्र कफा वह त्वेन व्याधि वर्धन हेतुत्वात। जी तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि अभी हमने शोधन कर दिया, वमन और विरेचन से शोधन कर दिया, शरीर शुद्ध हो गया, उसके बाद में वायु को जीतने के लिए अस्थापन बस्ती दे दिया, लेकिन जो शरीर है वहां से क्लेद निकाला है, दोषों की शुद्धि की है, तो शरीर जो है वो थोड़ा क्रुश हो गया, अंदर से थोड़ा कमजोर हो गया है, तो वहां पे तर्पण देना है। तर्पण करने के लिए मांसरस का प्रयोग करना है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको मांसरस से करना है और जो लोग वेजिटेरियन को यूश वगैरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे रसाय रीति जब बोल रहे हैं तो रसाय रीति का मतलब है कि सामान्य निर्देशत्व निर्देशात, मतलब सामान्य निर्देश ये होता है कि त्रिविध जो देश होते हैं, त्रिविध देश आयुर्वेद में क्या बताए, एक होता है आनुप देश, दूसरा होता है साधारण देश, तीसरा होता है जांगल देश। तो जैसे जैसे प्राणी मिलते हैं, आनुप देश के प्राणी, फिर उसके बाद में जांगल देश के, साधारण देश के, उनके
मांसरस सिद्ध करके तर्पण करने के लिए बताया है। ज्यादातर यहाँ पे जांगल प्राणी मांस, जांगल प्राणियों का जहां पे वात भूष्ट जांगल प्रदेश है उनके मांसरस से बना के तर्पण करने के लिए तर्पेदिति बोध्यम ऐसा बोला है। न तू अनुपादी मांसरस रीति, अनुपदेश जो रहते हैं वो कफ बाहुल्य रहते हैं, तो न तू, न तू यहाँ पे स्पेशली बोला है कि अनुपदेश के प्राणी जो जैसे भालू हो गया या फिर जो जो मोटे ताजे जो प्राणी रहते हैं उनका मांसरस नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तेषाम मेदो मूत्र कफा वहत्वेन व्याधि वर्धन हेतुत्वात्, मतलब वहां पे ऐसा व्याधि है ये जहां पे मेद बढ़ा हुआ है, मूत्र बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो अगर हमने अनुपदेश के प्राणियों का मांसरस दिया तो ये और स्रोतो दृष्टि और हो जाएगी, मेद विकृत हो जाएगा, मूत्र विकृत हो जाएगा, कफ विकृत हो जाएगा, व्याधि वर्धन हेतुत्वात्, व्याधि के वर्धन का हेतु मिल जाएगा उधर, इसलिए अनुप प्राणियों का मांसरस नहीं देना है। कौन सा देना है? तो जांगल प्राणियों का मांसरस, जैसे कि हिरण हो गया और फिर मतलब ऐसे प्राणी जो वात भूष्ट देशों में रहते हैं और उनका मांस जो रहता है वो हल्का रहता है पचने में, वैसे प्राणियों का मांसरस बना के वहां पे तर्पण के लिए देना है। माधुरी मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा, प्राउड ऑफ यू माधुरी मैम, सबसे इंटेलिजेंट तो आप ही हैं। थैंक यू सर, सभी लोग आपके वजह से जी। अभी अभी आप तर्पण में ये बता रहे कि क्या करना है, चौथा नंबर का श्लोक कृपया कोई पढ़ दीजिए आरती मैम। हाँ जी, एक बार सोचा थी और वो एक बार रिवाइज कर लें क्या? हाँ जी कर दीजिए जी। मैंने तीन गण करें, सुस्तादी और मेरे ख्याल में नेवरदादी और मुस्तादी भी थोड़ा सा बताया उन्होंने जी। तो सुस्तादी में सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुआ, कुठेरक, विनीता मैम कुठेरक बताइएगा क्या है, वायुविडंग, तरबूज यानी तुलसी, मूसा करनी, कायफल, कसौंदी, नख चिकनी, जल धनिया, जल धनिया क्या है भाई जी? अभी जल धनिया कुछ अलग होगा। हाँ, भारंगी, कारमुका यानी कि रक्त मंजरी, मकोई, गुड़फला, भूकम, भूकदम्भ यानी कुलहल, कुचला, सुगंधी तृण और जटामासी, इसमें सारे मिल जाए या कुछ मिल जाए चलेगा ना? हाँ जी। तो ये गण जो है कफट विकार, मेदो रोग, कृमिज, प्रतिशय, भोजन के प्रति अरुचि, श्वास कास रोग का शमन करने वाले हैं, विशेषकर ये वनशोधक भी हैं साथ में, ये इन्होंने बताया। तो सारे मिल जाए या कुछ मिल जाए तो भी चलेंगे। और उसके बाद है नेवरादिगण में बरगद, पीपल, गूलर, लोध, पठानी, लोध्र, जामुन, अर्जुन, आमड़ा, आम, वेद, चिरौंजी, पलाश, पारस, पीपल, वेद, कदम, तेंदु, बुलेठी, महुआ, इसमें भी जो हमें अक्सर करके मिल जाते हैं वो काफी सारे इसके अंदर हैं, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और मुस्तादी में तो हम लोग नागर मूथा का बहुत बाल कुटकी, यवतिका यानी और ये बिलावा, पाठा, त्रिफला, फूट, इलायची, सफेद वज, ये कर जो है वो यूज होते हैं। इसमें हम लोग नागर मूथा का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं और बाकी की इस प्रमेय में आगे हल्दी के ऊपर भी आएगा। तो ठीक है वैसे, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा से बताया ये सुरसादिगण नेवरदादिगण बहुत अच्छा होता है। अभी चौथा नंबर का जो श्लोक है कोई पढ़ेगा, अपतर्पण में, अपतर्पण जनित है प्रमेय तो क्या करना है, वो अवस्था है, कोई पढ़िए चौथा नंबर का श्लोक। डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, राम अवतार माली जी, कृपया पढ़िए कोई। गुड मॉर्निंग सर, मैंने पढ़ना, आप पढ़िए आरती मैम। शमन योग, धात्री, धात्री रस, रस नहीं, वो नहीं पढ़िए, चौथा नंबर का श्लोक, फोर्थ। अच्छा चौथा नंबर का। अपतर्पण में कर्तव्य, मूत्र ग्रह, रुजा, गुल्म, क्षय, अध्यास्तव, अपतर्पणात्, ततो अनुबंध रक्षार्थ, शमनानी प्रयोजेत, क्योंकि अपतर्पण से मूत्र का अवरोध, पीड़ा, गुल्म, क्षय आदि हो जाते हैं, इसलिए अनुबंध की रक्षा के लिए शमन करें, थोड़े से निदान से भी रोग फिर उठ जाता है उसके लिए शमन करें जी।
अभी तो उन्होंने संतर्पण वाला एक अवस्था बताया पहले कि वहां पे शोधन करना है, लेकिन अपतर्पण है, पेशेंट ने पेशेंट खाना कम खा रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा, और उसका अपतर्पण बहुत ज्यादा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि वायु का प्रकोप रहता है, तो इसलिए मूत्र का अवरोध हो सकता है, कभी पीड़ा होती है वहां पे पूरा बस्ती प्रदेश में, गुल्म हो सकता है, क्षय हो सकता है। तो यहाँ पे अनुबंध की रक्षा के लिए शमन देना है, यह उन्होंने स्पेशली बताया। और वाग्भट में ये स्पेशलिटी है अष्टांग हृदय का कि ये हर अवस्था में चिकित्सा बताते हैं, ऐसा चरक संहिता में इतना डिटेल में नहीं बताया, ये छोटी छोटी बातों को अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ नंबर का जो श्लोक है उसका टीका पढ़ेंगे, आरती मैम आप पढ़ेंगी, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर, जी सर। मूत्र ग्रह रुजा गुल्म क्षय आद्यास्तव अपतर्पणात् ततो अनुबंध रक्षार्थ शमनानि प्रयोजयेत्। यतो अपतर्पणान् मूत्र ग्रह आदिनि जायन्ते ततो हेतोर अनुबंध रक्षार्थ शमनानि प्रयोजयेत्। अन्यथा प्रमेय उपशांतो अपि निदान लेशम आसाद्या पुनः प्रादुर्भवेत्। ननु मूत्र ग्रह आदि आदि नयता वदस्तु शेष आदि शब्दै न एव ग्रहिष्यन्ते। अभी इतना मैं अर्थ बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ये तो अपतर्पणा मूत्र ग्रहादीनि जायन्ते, जहां पे अपतर्पण हुआ है बहुत ज्यादा, शरीर का बहुत ज्यादा नरिशमेंट नहीं मिला, जिसको डेफिशिएंसी या माल नरिश शरीर है, अपतर्पण हुआ है, वहां पे वायु का प्रकोप होने की वजह से मूत्र ग्रह हो गया, मतलब यूरिन आ ही नहीं रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया है। वहां पे हेतु अनुबंध रक्षार्थम, वहां पे हेतु का जो अनुबंध है मतलब वायु का प्रकोप है, उसको रक्षा करने के लिए शमन चिकित्सा का प्रयोजन करना चाहिए। अन्यथा प्रमेह उपशांतो अपि, नहीं तो क्या होगा कि प्रमेह शांत हो जाएगा, अपि होने के बाद भी निदान लेशम असाध्य पुनः प्रादुर्भवेत, वहां पे थोड़ा सा निदान का सेवन किया, जैसे रात्रि का जागरण किया, दिवा स्वाप किया, या फिर वेगों का अवरोध किया, ऐसे बहुत सारे हेतु मिलने से प्रमेह फिर से उत्पन्न हो जाएगा। आविल मूत्रता बहुमूत्रता, ऐसा उसका मतलब प्रत्यात्म लक्षण है प्रमेह का, तो ये थोड़ा भी हेतु मिलेगा तो ये और बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि वातज प्रमेह अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे चार टाइप होते हैं, जो मज्जा में मधुमेह, मतलब मधु जैसा यूरिन होने लगता है, तो थोड़ा भी अगर वायु का प्रकोप और बढ़ेगा तो ये प्रमेह जो रहेगा वो असाध्य अवस्था में आने लगेगा और ये संप्राप्ति और बढ़ जाएगी। और बाकी ये तो मूत्र ग्रह रुजा गुल्म क्षय ये सब तो है ही वहां पे, तो इसलिए शमन चिकित्सा करना है। शमन किसके है, तो वायु का शमन करना है। फिर बोल रहे हैं ननु, ननु जब भी आता है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, ननु मूत्र ग्रहादित्यतानवद्वस्तु शेषा आदि शब्दों ने गृहिष्यन्ते। इसका मतलब है कि मूत्र ग्रह जब ये बोल रहे हैं तो यहाँ पे आदि शब्द ने गृहिष्यन्ते, मतलब ये सारे जो व्याधि है जैसे मूत्र ग्रह रुजा गुल्म क्षय ये सब जो रहते हैं इन सबको हमें ग्रहण करना चाहिए। किम मूत्र ग्रह रुजा गुल्म, ये मूत्र ग्रह रुजा गुल्म ये सब जो हो रहा है ये कैसे होता है, एक मिनट। क्षयाद्याति सत्यम, ये सब कैसे होता है, तो मूत्र ग्रह रुजा गुल्म क्षया यथा अवश्य अपतर्पणात् प्रमेहणो जायन्ते। ये मूत्र ग्रह जो हो रहा है मतलब यूरिन ना होना या रुजा होना, पेन होना बहुत ज्यादा, गुल्म होना, क्षय होना, ये अवश्य अपतर्पणात्, जब अपतर्पण होता है, प्रमेहिणो जायन्ते तथा न अपरे तज्जायते, ये दूसरे लोगों को नहीं होता है, न अपरे, ये अपतर्पण जन्य जो प्रमेह रहता है उनको ही, प्रमेही रोगी को ही होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे पढ़ना है। जिनका अपतर्पण हो गया उनको केवल शमन औषधि देना है जी, उनको उनको ये सब नहीं कराना है, वमन विरेचन नहीं कराना जी, जी। और अक्सर देखा भी है जैसे कि जिनका अपतर्पण हो जाता है तो उनके बाकी के जो वात वात वृद्धि होने से पेन्स वगैरह भी काफी होने लग जाते हैं, तो उनमें केवल शमन औषधि दें तो क्या उनको कभी भी नहीं दे सकते, मतलब आगे भी नहीं दे सकते? नहीं, उनका बल अगर अच्छा नहीं है और अपतर्पण बहुत ज्यादा है तो हम क्यों देंगे वमन और विरेचन? तो अगर बस्तियां, इसमें बस्तियां कौन सी दे सकते हैं, वैजीवशील
शील वगैरह कोई दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, लेकिन ये पहले देखना है कि वायु का प्रकोप ना हो, जो भी चीजें दे रहे हैं तो वहां पे शमन दे के बल बढ़ा के बाद में देंगे ना हम ग्रहण करके। जी, जी यहाँ पे ये वाला पढ़ दीजिए, असंशोध्यस्य तान्य। ये कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? विनीता मैम आप पढ़ेंगी? विनीता चौहान मैम आप सुन रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, पढ़िए। धात्री नहीं सप्तुला नहीं इसके पहले एक जो लाइन है वो पढ़ के रुकेंगे। असंशोधस्य तान्येव सर्वमेहेषु पाययेत। वमन और विरेचन के लिए अयोग्य रोगियों को सब प्रमेहों में शमन औषध देवें। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, इसका टीका भी पढ़ दीजिए। जी सर। असंशोध्यो वमने गर्भिण्यादि विरेके नवज्वरादि एतत् शात शोधयश्च तान्येव शमनानि सर्वेषु प्रमेहेषु पाययेत् एवत् अवधारणे न तु शोधनादि रूप इत्यर्थम्। हाँ, इसका मतलब है कि असंशोध्य हो, जिनका शोधन नहीं देने के लिए बोला गया है, जैसे कि वमन है वो गर्भिणी को नहीं देना है, अगर हम देते हैं तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। विरेचन जो है वो नवजोरवादी को नहीं देना होता है। ऐसे जो असंशोध्य रोगी हैं, एतास असंशोध्य तान्य व शमनानि, उनके लिए शमन चिकित्सा करना है। सर्वेशु महेशु पाये, उसमें शमन चिकित्सा देके उससे चिकित्सा करना है। एते वो धारणे न तो संशोधादि रूप में मित्यर्थ। यहाँ पे जब बताया है कि ये अवधारणा है कि वहां पे शोधन नहीं देना है, तो वहां पे क्या देना है? जहां शोधन नहीं देना है वहां पे शमन चिकित्सा करना है, यह बताया। ठीक है, अभी 5 मिनट है तो हम ये पांचवा छठवा नंबर का श्लोक कर दे कि कल करें, नहीं तो आप अभी गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए विनीता मैम, हम कल करेंगे बाकी का। जी सर। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। जी तो अभी का हम सत्र अभी समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप सब लोगों का दिन बहुत शुभकारी हो। और वंदना मैम लिखी है कि ब्यूटीफुल वॉइस मैम, थैंक यू सो मच फॉर ए ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग विद गायत्री मंत्र, बहुत अच्छा बताया। तो ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सभी।